व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन परमानंदं सद्गुरुं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाहक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज भगवान की कृपा से चौदहवें अध्याय का 21वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के तीन प्रश्न हैं। अर्जुन उवाच कैलेरंगे स्त्रीगुणाने तांतीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैत्रास्त्रीन् गुणान्ति वर्तते। कै लिंग है तीन त्रिन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किमाचार कथम चयेतान त्रीन गुणां अतिवर्तते। श्रीमन्नारायण परम दयालु रे। श्रीमन्नारायण परम दयालु रे। भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा। राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा। बेही काटेंगे सदगुरु काटेंगे। सदगुरु काटेंगे जम के फंदरे। भज मन राधे गोविंदा। भगवान का स्मरण करते हुए इसके आपको मीनिंग बताते हैं। इस प्रकार भगवान के रहस्ययुक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, एतान यानी इन त्रिन यानी तीनों गुणान यानी गुणों से अतीत यानी जो पुरुष इनसे अतीत चला गया अलग हट गया है। के यानी क्या, किन किन लिंगे यानी लक्षणों से युक्त भवति यानी होता है, ये पहला प्रश्न। किमाचारा किस प्रकार के आचरण वाला भवति यानी होता है। प्रभो हे प्रभो कथम किस उपाय से एतान यानी इन त्रीन यानी तीनों गुणान यानी गुणों से अतिवर्तते यानी वह अतीत होता है। भगवान पुरुषोत्तम तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, पहली चीज, और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, और हे प्रभु किन उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्जुन के तीन प्रश्न। परमात्मा सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण से कि जिनका कोई स्मरण मात्र भी कर ले प्रेम से गहराई से और हृदय से
तो उसका आगे का द्वार खुलने लग जाता है। हालांकि वाणी असत्य है, मिथ्या है, लेकिन उस वाणी के पीछे हुआ पीछे जो छिपी हुई तुम्हारी जो भाव दशा है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जिसे तुम प्रेम कहते हो तुम्हारी भाषा में, और भगवान उसी प्रेम को प्रार्थना के रूप में लेते हैं। तो देखा जाए तो प्रेम ही प्रार्थना है। भगवान के प्रति यदि तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो ही वह प्रार्थना है, अन्यथा कोई प्रार्थना तुम्हारी वहां तक पहुंचने वाली नहीं। शब्दों से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता और नहीं मनाया जा सकता। संस्कृत के श्लोकों को गाने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा के प्रसन्न होने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि प्रेम। तो अर्जुन प्रेम से पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है अर्जुन? जिज्ञासु की आदत होती है, वो अपने सदगुरु से हर छोटी छोटी बात पूछता है, और पूछना भी चाहिए, और पूछना भी चाहिए, और किससे पूछेगा वो? यद्यपि 13 अध्याय पूरे हो गए, 14 अध्याय चल रहा है, यद्यपि आदि गीता लगभग आदि से ऊपर गीता पूरी हो गई है, भगवान ने सब कुछ बता दिया, इसके बाद भी भूलने की प्रवृत्ति सभी की होती है, जीव की भूलने की आदत होती है। भगवान से अर्जुन पूछता है कि भगवान हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में अगर कोई उत्तम है तो वही है, और पुरुष कहां हो? पुरुष तो वही है और कोई पुरुष नहीं है। इस जगत में अगर कोई पुरुष है तो परमात्मा है, बाकी सब नारियां स्त्रियां हैं, क्योंकि स्त्री को प्रकृति का रूप कहा गया है। स्त्री प्रकृति की तरह धारण करती है। अगर आप में ज्ञान नहीं भाई, नारी के विषय में मैं नहीं गलत नहीं कह रहा हूं, नारी में तो भगवान भी हैं, लेकिन वो मैं उस नारी के उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रकृति के अर्थ में। तो पुरुषों में उत्तम कह लो या पुरुष कह लो, परम पुरुष श्री सदगुरु, परम धाम निधाम, और जेने आप यो भानी तेने सदा प्रणाम। तो भगवान जो हैं वो ही पुरुष हैं इस जगत में, वो ही एक चेतना है। तो अर्जुन कह रहा है भगवान ये जो तीनों गुण जो आपने बताए, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो अतीत चला गया, अलग चला गया, इन तीनों गुणों से परे चला, तो उस पुरुष के लक्षण क्या है? कैसे जाने कि आदमी तीनों गुणों से अलग चला? कोई झूठ बोलते कि हम तो तीनों गुणों से अलग चले गए, तो हम कैसे जानेंगे उसको कि ये तीनों गुणों से अलग चला गया? उसके क्या क्या लक्षण है? जैसे मलेरिया के लक्षण है, कभी यह कपकपी हो रही है, ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, तो ऐसे लक्षण क्या है उसके व्यक्ति के, पुरुष के, और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, क्या करता है वो और क्या नहीं करता, उसका आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसकी बातचीत कैसी होती है, वो कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे सोता है, वो कैसे खाता है, और प्रभु आप मुझे ये भी बता दीजिए कि तीनों गुणों से परे जाने का उपाय क्या है, तरकीब क्या है, कैसे हम इन तीनों गुणों से परे हो, और वो भी व्यक्ति जो तीनों गुणों से परे हुआ है वो किस उपाय से तीनों गुणों से परे हुआ है? अर्जुन ये पूछता है, कृपा करके भगवान बताइए। अर्जुन का ये प्रश्न वाजिब है, उचित है। अर्जुन नहीं पूछेगा तो तुम कैसे जानोगे?
अर्जुन नहीं पूछेगा तो गीता कैसे होगी, अर्जुन नहीं पूछेगा तो ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे होगा, अर्जुन नहीं पूछेगा तो ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कैसे होगा। इसलिए पूछना बहुत आवश्यक है। सतगुरु से पूछो, जितना चाहो पूछो, जैसा चाहो पूछो। तुम्हारा पूछना दूसरों के लिए कल्याणकारी हो सकता है, तुम्हारा पूछना दूसरों की शंकाओं को दूर कर सकता है, तुम्हारा पूछना दूसरों के लिए द्वार खोल सकता है, तुम्हारा पूछना सद्गुरु के एक प्रवचन का कारण बन सकता है। इसलिए सद्गुरु से पूछना अच्छा है, गलत नहीं। अर्जुन का ये पूछना कि तीनों गुणों से अतीत सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इनसे परे जाने वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, मैं यहां कहना चाहूंगा। हालांकि अर्जुन का प्रश्न ही गलत है, लेकिन उत्तर सदैव सही हो। उत्तर सदैव सही। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, और वह हमेशा उससे तुम कुछ भी पूछो वो एक ही बात कहेगा, कुछ हो तो खिला दो, भूख लग रही है। उसके प्राणों में भूख है, प्यास है, ऐसी जिज्ञासु परमात्मा को पाना चाहता है। उसके जीवन में एक भूख है, एक प्यास है, एक दर्द है, एक प्रेम है, एक तीव्रता है, मैं परमात्मा से कब मिलूंगा। उसकी पूछने की पुनरावृत्ति भी इसी बात का द्योतक है। ऐसे भक्त भी रो रो के भगवान को याद करते हैं। उनका रोना भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। उनको भी यही साक्षी के ध्यान में आना होगा। परमात्मा अधिक से अधिक इतनी कृपा कर सकता है किसी भक्त पर कि उसको किसी सद्गुरु से मिला दे। अर्जुन का पूछना किन किन लक्षणों से युक्त होता है, इसके पीछे कुछ गहन रहस्य भी छुपा हुआ। वो उन लक्षणों को सुनकर अपने अंदर के लक्षणों की तुलना करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि मैं कहां तक पहुंचाऊं। वो जानना चाहता है कि शायद ये घटना मुझ में घटित हुई कि नहीं हुई। वो जानना चाहता है कि कुछ लक्षण मुझ में है कि नहीं। वो जानना चाहता है कि मैं इन लक्षणों को कैसे, इन लक्षणों पर कब खरा उतरूंगा, कैसे खरा उतरूंगा। उसकी प्यास है इन प्रश्नों के पीछे, उसकी आस है इन प्रश्नों के पीछे, उसका प्यार है इन प्रश्नों के पीछे, उसका विश्वास है इन प्रश्नों के पीछे, उसकी त्वरा है इन प्रश्नों के पीछे, उसका जिज्ञासुपना है इन प्रश्नों के। वो लक्षण पूछ रहा है, उसको सम्मान है इन तीनों गुणों के अतीत पुरुष के बारे में। वो तीनों गुणों से अतीत स्वयं भी जाना चाहता है। वो भगवान को ठीक से समझने लगा है। उसको मालूम हो गया कि सद्गुरु है, पूरे सद्गुरु है, अधूरे नहीं, पूरे सद्गुरु है। उसे अपने गुरु में अटूट दृढ़ निष्ठा हो गई। वो तैयार हो गया है सद्गुरु की बात को वैसा का वैसा स्वीकार करने को। वो तैयार हो गया है सद्गुरु की बात पर विश्वास अक्षय करने को। वो तैयार हो गया है सद्गुरु जो कहेंगे वो सही ही कहेंगे। जब कोई जिज्ञासु अपने सद्गुरु के बात को अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हो जाता है,
उसको 100% अपने सदगुरु पर विश्वास और भरोसा हो जाता है। तुम समझ लेना उस दिन से उसका द्वार खुलना प्रारंभ हो जाता है। तुम समझ लेना उस दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तुम समझ लेना कि उसके जीवन की, उसकी निष्ठा की, उसकी श्रद्धा की यह पराकाष्ठा है, ये सबसे ऊंची स्थिति है। जब कोई जिज्ञासु अतीत के महापुरुषों के लक्षणों के बारे में पूछता है, और जब कोई जिज्ञासु अतीत के महापुरुषों के जीवन से अपने जीवन को प्रेरणा देता है, प्रेरणा लेता है और उस पर चलने के लिए अभिप्रेरित होता है, तो उसका सबसे पहला काम यही होता है कि वो किसी सदगुरु की शरण में आता है, क्योंकि उसको पता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा। इसलिए उन लक्षणों के बारे में अर्जुन पूछता है, इसलिए उन आचरणों के बारे में अर्जुन पूछता है कि वो कौन से आचरण है, क्या किया जाए, क्या करता है वो व्यक्ति। आपको मैं बताऊं कि तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई भी एक क्रिया उठा के देख लो उनकी, आपको समझ में आ जाएगी। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आती है। एक राजा को जंगल में तीन खोपड़ियां पड़ी मिली। वो इन उन तीनों खोपड़ियों को अपने राजमहल में ले आया। उसने एक उन तीनों खोपड़ियों के बारे में अपने मंत्री जो सबसे प्रबुद्ध था उसको बुला के पूछा, ये तीन खोपड़ी में लाया हूं, इनके बारे में आप बताओ। मंत्री ने एक घास का लंबा तिनका लिया और एक खोपड़ी के कान में डाला। वो तिनका कान में से घुस के मुंह में निकल गया। उसने कहा ये जो कुछ सुनता था सब बक देता था। उसने एक वही तिनका दूसरी खोपड़ी में डाला, वो कान में से गया और दूसरे कान में से निकल गया। उसने कहा यह आदमी एक कान से सुनता था दूसरे कान से निकाल देता था। उसने तीसरी खोपड़ी में तिनका डाला तो कान में जो तिनका गया वो सीधा गले के अंदर नीचे की तरफ पेट की साइड में निकल गया। उसने कहा यह आदमी पक्का भरोसेमंद था, ये कुछ भी सुनता था अपने पेट में ही रखता था, किसी को कभी कुछ नहीं बताता था। ऐसे अर्जुन पूछता है क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या आचरण हो सकते हैं, कैसा होना चाहिए। मैंने कुछ ऐसे सदगुरु, सदगुरु नहीं कहूंगा, मैंने ऐसे गुरु देखे जो जिज्ञासु उनसे हृदय खोलकर सब कुछ बताता है और बाद में उसका वो दुरुपयोग कर देते हैं। वो गुरु है, सदगुरु नहीं है। वो किसी एक विधा को जानते हो। जिज्ञासु पूरी जीवन की कहानी उनको सुना देता है और वो गुरु उस जिज्ञासु के उन जीवन के कमजोर पहलुओं को दूसरों को बताते रहते हैं। वो सदगुरु नहीं होंगे। ब्रह्म वेत्ता सदैव पेट में बात को रखता है। आपकी कोई भी बात सदगुरु के अलावा और कोई सुरक्षित रख ही नहीं सकता। इस प्रकार के जो आचरण वाला, उसी से तो आप अपनी हर बात पूछ सकते हो, हर बात कर सकते हो, हर बात प्रकट कर सकते हो। अर्जुन कहता है कि प्रभु मुझे वो उपाय भी बताइए कि किस उपाय से वो तीनों गुणों से अलग होगा, क्योंकि तीनों गुणों से अलग होना तो बड़ी कठिन की बात है। अरे एक गुण से भी अलग नहीं हो पाता,
थोड़ी सी बात में तमोगुण और क्रोध में आ जाता है, थोड़े से आकर्षण में मान और अपमान में आ जाता है, थोड़े से आकर्षण के अंदर जीवन भर की कमाई खो देता है। किसी ने मुस्कुराकर देख लिया और उसके प्रति उसको सहज ही आकर्षण हो जाता, भूल जाता है कि मुझे साक्षी करना है, भूल जाता है कि मैं किसी सदगुरु का शिष्य हूं, भूल जाता है कि उसे आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है। और उसके किए हुए अच्छे कार्यों की, अगर उसके किए हुए सत्वगुण के कार्यों की कोई प्रशंसा ना करे तो वो नाराज हो जाता है। बहुत मजबूती से बांधे हुए इन तीनों गुणों में से कैसे मुक्त हुआ जाए, किस उपाय से इन गुणों से वो महापुरुष जो पूर्व में हुए हैं वो मुक्त हो पाए हैं। अर्जुन पूछ रहा है, बहुत प्रेम से पूछ रहा है, भगवान इसका उत्तर तो देंगे ही, लेकिन उसके पूछने का जो ढंग है, उसके पूछने का जो कारण है, उसके पूछने का जो अभी उद्देश्य है, उसके पूछने की जो आंतरिक मनोदशा है, वो आप लोग समझने तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि कभी किसी जन्म में या इस जन्म में आप भी अर्जुन की तरह एक जिज्ञासु बन सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके जीवन में। और कभी इसी जन्म में या किसी जन्म में आप अपने सदगुरु को भगवान और पुरुषोत्तम हृदय से मान ले, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। ऊपर ऊपर भगवान कहने से कुछ नहीं होगा। सदगुरु इतना मूर्ख नहीं कि तुम उसको भगवान कह दो और वो खुश हो जाएगा, तुम उसको पुरुषोत्तम कह दो और वो खुश हो जाएगा। उसको पता है तुम किस तल से बोल रहे हो, उसको पता है तुम्हारे हृदय की कितनी गहराई है, उसको पता है तुम उसका कितना सम्मान करते हो, उसको पता है तुम उससे कितना प्रेम करते हो। सदगुरु तुमसे लाखों गुना प्रबुद्ध है, तुम्हारे अंदर के सारे अंतस को ठीक ठीक प्रकार से जानता है। इसलिए अर्जुन का जो भगवान कहना वास्तव में ठीक है, वो वास्तव में अपने सदगुरु में भगवत्ता का भाव रखता था। अर्जुन का पुरुषोत्तम कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वास्तव में उसे लगता था कि पुरुषोत्तम है उसके सदगुरु, वैसा कोई पुरुष नहीं इस जगत में, सारे पुरुषों में वो उत्तम है। अर्जुन का ये प्रभो कहना ये बहुत गहरा सम्मान है। प्रभो का मतलब होता है कि अब कोई है नहीं इनके बराबर और इनके अलावा कोई नहीं। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, बिना भगवान के सतगुरु के आप कुछ कर नहीं सकते, बस वो ही प्रभु हैं। अर्जुन की प्रार्थना है मेरे प्रभु, इन तीनों गुणों से जो पुरुष परे चला जाता है, इन तीनों गुणों से जो पुरुष अतीत हो जाता है, उसके लिंग लिंग यानी लक्षण क्या क्या है प्रभु, वो क्या पहचान है उसकी। जैसे आपकी पहचान आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, जैसे आपकी पहचान आपके शरीर पर कोई निशान होता है, जैसे आपकी पहचान आपका व्यक्तित्व होता है, ऐसा उसकी क्या पहचान है। हम उसे कैसे जानेंगे कि व्यक्ति गुणातीत हो गया, उसकी अवस्था क्या है, वो कैसे चलता है, क्या उसका आचरण है, कैसा उसका भोजन करने का ढंग है, कैसा उसका शयन करने का ढंग है, कैसा उसका बात करने का ढंग है, कैसे वो सोता है, प्रभु मुझे बताइए। हे प्रभु मुझे बताइए कि कैसे उसने इस गुणातीत अवस्था को पाया है, आप मुझे कृपा करके बताइए। भगवान बताते हैं, अगले सूत्र में हम आपको भगवान का उत्तर बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि गीता के इन श्लोकों के
वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप सब लोग कृपा करके इनको सब्सक्राइब करें और दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं। ये परमात्मा के वो सूत्र हैं जो पूरे विश्व में शांति और आनंद का संदेश देने के लिए हैं। हम पूरे विश्व को अगर विश्व गुरु बनाना चाहते भारत को, तो बस गीता और उपनिषदों के इस सत्य से ही हो सकेगा संभव। आप यदि सोचो कि कर्म कांड से ये संभव हो जाए तो यू हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि उस कर्मकांड का खंडन भगवान ने भागवत में अनेक अनेक बार किया हुआ है, और वो मन बुद्धि चित्त अहंकार में फंसाने वाली प्रक्रिया है। वो ज्ञान उससे हटाने की प्रक्रिया, तो वो फंसाने की प्रक्रिया। इसलिए आप सब लोग से निवेदन है कि आप इन वीडियो को सब्सक्राइब करें और आप स्वयं भी सुने, अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं। ये हमारा एक जीवन उद्देश्य, एक मिशन है कि हम इस विश्व को ध्यान के द्वारा शांति, आनंद और तनाव रहित अवस्था देना चाहते हैं। और हमसे अकेले ये जगन्नाथ का रथ नहीं खींचा जाएगा, आप सबको इसमें हाथ लगाना होगा, आप सबको हमारे साथ खींचना होगा। आओ इस मिशन से जुड़ो और इस साक्षी के ध्यान को हम विश्वव्यापी बनाएं। शुभ शुभ।